नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता कॉलेज बासन देवघर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में। यूनिट आपकी सेकंड है भाषा की प्रकृति और उसका स्वरूप और टॉपिक है भाषा माध्यम के रूप में। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक को कम्प्लीट किया और उसके कुछ पॉइंट्स बाकी थे वो देखिए। तो इसमें यह था कि भाषा का संबंध मानव की मनुष्य की भाषा का संबंध मनुष्य के मन से मनुष्य के मस्तिष्क से मनुष्य के मन से मस्तिष्क से समाज से संस्कृति से इन सब से होता है। भाषा विशेष का ये व्यवहारिक संबंध होता है, व्यवहारिक व्यवस्थाओं का संबंध होता है। तो इसका जो विवेचन है वो निम्न प्रकार है। वो देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा का विवेचन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिएगा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यानी मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, साइंटिस्ट ने क्या कहा है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा समस्त मानसिक क्रियाओं मनोभावों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हम ये जानेंगे कि भाषा समस्त मानसिक क्रियाओं का मनोभावों का मनोवेगों का मनोवेगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी कि भाषा समस्त मानसिक क्रियाओं का मनुष्य के मानसिक क्रियाओं का मनुष्य के मन के भावों का मनुष्य के मन के मनोवेगों का मनोवेगों की जो अभिव्यक्ति करता है उसका माध्यम है भाषा। इस माध्यम से ही समस्त मानसिक प्रक्रियाएं घटित होती हैं। यानी कि ये इस माध्यम से यानी कि भाषा के माध्यम से ही जो समस्त प्रक्रियाएं हैं वो घटित होती है। यही हमारी सकल्पनाओं के गठन का आधार है और यही सकल्पनाओं का यानी कि कल्पना करके मनुष्य एक गठन का निर्माण करता है। तो कल्पना करके यानी कि कल्पना करता है मनोवेगों मनोभावों और मन की अभिव्यक्ति इन सब से वो समस्त क्रियाएँ करता है और समस्त क्रियाएँ करके मन के भावों की वो अभिव्यक्ति करता है और अभिव्यक्ति के रूप में वो संकल्पनाओं का गठन करता है और गठन ही आधार होता है। साथ में विचार और संबंध इस बात की पुष्टि करता है यानी कि यही हमारी संकल्पनाओं के गठन का आधार है जिसमें विचार भी शामिल होते हैं और संबंध भी शामिल होते हैं। यानी कि विचार और संबंध यानी कि जिस प्रकार के विचार होते हैं उन विचारों को प्रकट करना इसकी पुष्टि करता है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा का संबंध मानव व्यवहार से है। यानी कि इस प्रकार हम मनोवैज्ञानिक तरीके से कह सकते हैं कि भाषा का संबंध मानव व्यवहार से होता है, भाषा का संबंध मानव व्यवहार से है। स्किनर ने इसके लिए एक डेफिनेशन दी है कि वक्ता एवं श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक की संज्ञा दी है। यानी स्किनर ने जो डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि वक्ता एवं श्रोता को वक्ता बोलने वाला श्रोता सुनने वाले के जो शामिल जो व्यवहार होता है यानी कि एक व्यक्ति अपने विचारों अपने मन के भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने जो प्रकट कर रहा है। वक्ता तो बोल रहा है श्रोता सुन रहा है तो उसके सम्मिलित व्यवहार को वाक की संज्ञा दी है। किसने दिए गए स्किनर ने। साथ में इससे स्पष्ट होता है कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार भाषा समस्त मानसिक शक्तियों विचारों तथा भावों के विकास का माध्यम है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार कि भाषा समस्त मानसिक विचारों शक्तियों और भावों का माध्यम होता है। सेकंड है समाजशास्त्रीय दृष्टि से। अब समाजशास्त्रीय दृष्टि से किस प्रकार से समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार भाषा सामाजिक संगठन सामाजिक मान्यताओं तथा सामाजिक व्यवहार का एकमात्र माध्यम है। यानी कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि भाषा का माध्यम देखें तो समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार भाषा सामाजिक संगठन है, भाषा सामाजिक मान्यताओं के अनुसार चलती है, भाषा सामाजिक व्यवहार का एकमात्र माध्यम होता है। यानी कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार सामाजिक संगठन के अनुसार और सामाजिक व्यवहार का एकमात्र माध्यम होता है। भाषा का संबंध भाषा व्यवहार के समस्त सामाजिक संदर्भों से यानी कि भाषा का संबंध अगर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो भाषा का जो संबंध है वो भाषा व्यवहार के समस्त सामाजिक संदर्भों से समस्त समाज से और समाज में रहने वाले लोगों से भाषा का संबंध होता है। इन सामाजिक संदर्भों में भाषाई प्रयोग भाषाई दृष्टिकोण उनके प्रयोगकर्ता तथा भाषा के प्रति उनका व्यवहार शामिल होता है। यानी कि जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि हम भाषा को देखते हैं तो उसमें हम भाषाई प्रयोग को भी देखते हैं, भाषाई दृष्टिकोण भाषा का क्या नजरिया है वो देखते हैं, प्रयोगकर्ता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोगकर्ता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है तथा भाषा के प्रति उसका व्यवहार किस प्रकार से शामिल है इसको हम देखते हैं। भाषा के द्वारा समाज का गठन तथा उसका विकास होता है। यानी कि भाषा के माध्यम से समाज का गठन होता है। बिल्कुल जिस क्षेत्र विशेष में स्थानीय विशेष में जितने लोग निवास करते हैं वो
वो एक समाज का गठन करते हैं और समाज का गठन करके ही वो भाषा का निर्माण करते हैं और भाषा का विकास उसी प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। संस्कृति का विकास भाषा के द्वारा ही संभव है। बिल्कुल, संस्कृति का विकास भी भाषा के माध्यम से ही होता है। किस प्रकार से? कि जिस प्रकार की भाषा होगी उसी प्रकार की संस्कृति वहाँ निवास करने वाले लोगों की होगी। भाषाई माध्यम के अभाव में समाज और उसकी संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल, यदि भाषाई माध्यम का अभाव है, भाषाई माध्यम का अभाव है या भाषाई माध्यम नहीं है तो फिर उस समाज और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि वो समाज प्रगति नहीं कर सकता यदि भाषा के माध्यम का अभाव है। इसी प्रकार थर्ड है इसमें भाषाशास्त्रीय दृष्टि से, यानी कि भाषाशास्त्रीय दृष्टि से भाषा माध्यम के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है। तो भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन करता है, यानी कि जो भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन करना बताया गया है और इसके अनुसार भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, यानी कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में भाषा का माध्यम स्वीकार किया गया, भाषा की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। बिल्कुल, मनुष्य एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और इस विचारधारा में भाषा के उच्चारित रूप उसकी विविध व्यवस्थाओं तथा संप्रेषण माध्यम पर विशेष बल दिया गया है, यानी कि जो विचारधारा भाषा शास्त्रीय दृष्टि से जो विचारधारा देखी गई है उसमें भाषा के उच्चारित रूप को उसकी विविध व्यवस्थाओं को तथा संप्रेषण के माध्यम पर विशेष बल दिया जाता है। इस प्रकार जो भाषा माध्यम के रूप में आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ेंगे तब